हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी, आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम है और अभी हम आराम कर रहे थे दोस्तों, फिर हमने कहा कि ब्लॉग का थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते हैं और बाकी का जो ब्लॉग है आगे का वो तो मैंने पहले से रिकॉर्ड किया था, पर इंट्रो नहीं रिकॉर्ड किया था। हमने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ले, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी हमने अलमारी खोली, जा रहे थे ब्लाउज में हम तुरपाई बटन और बटन वगैरह लगाने के लिए, तो फिर हमने कहा कुछ ब्लाउज हमने सिले हैं तो आप सबको दिखा देते हैं। थोड़ी देर के लिए फैन बंद कर दो बेटा। तो ये देखिए, एक ब्लाउज हमने सिला है, ये पैरेट कलर का है और थोड़ा सा डार्क शायद आपको दिख रहा होगा। और फुल स्लीव मैंने इसकी रखी है और ये बिल्कुल प्योर सूती है, तो कभी कभी गर्मियों में सूती पहनना चाहिए और जो फुल स्लीव है ना वो विंटर में ज़्यादा सही रहता है, तो हमने सिल लिया है। और ये मेरी साड़ी का नहीं है, बस ऐसे ही हम ये कलर इतना पसंद आ रहा था ना हमें, इस कलर का हमने कोई साड़ी भी नहीं पहना था, तो हमने कहा कि चलो बना लेते हैं। और इसकी ये देखिए, स्लीव पे हमने इस तरह से लगाया हुआ है लाइन, और इसमें ना ही बटन अभी लगा है और ना ही काज बना है। डोरी देखिए हमने सेम कलर का दिया है और इस तरह से दो लटकन लगा दिए हैं। तो इसे सिले हुए करीब 1 महीने हो गए हैं और ये सेम कपड़ा है सूती का, ये भी है सेम सूती और ये ब्लैक कलर का है, ये देखिए। और इसको हमने बनाया है कॉलर, इसमें हमने कॉलर बनाया देखिए, और बड़ा मन था कॉलर वाला पहनने का ब्लाउज, हमारे पास एक भी ब्लाउज नहीं था, तो इसको भी हमने फुल स्लीव रखा है ये देखिए। और सूती है लेकिन ये ब्लैक है, दोनों को साथ में ही हमने लिया था, पर इसे अभी हम निकालेंगे नहीं क्योंकि ब्लैक ब्लैक हम दो ब्लाउज पहन रहे हैं, एक फुल स्लीव का है और एक हाफ है, और एक ब्लैक ब्लैक फिर से आ गया। ये देखिए, ये हमारी साड़ी का है जो साड़ी हम खरीद के लेके आए थे और अपनी एनिवर्सरी के लिए दो साड़ी खरीद के लाए थे, लेकिन आप लोगों को बोला था दिखा देंगे पर नहीं दिखा पाए हैं, कहीं दावत जाएंगे ना पहनेंगे तभी उसी दिन बता देंगे आपको। ये देखिए, ये पीछे का गला है और हमने इस तरह से सिंघाड़े वाली इसमें लगा दी है लेस, डोरी भी दे दी है और स्लीप इसका इतना रखा है, और इसकी स्लीप है 7 इंच है ये देखिए इस तरह से। और इसमें भी कुछ किसी भी ब्लाउज में हमने काज बटन अभी नहीं किया है, ये देखिए इसमें भी अभी कुछ भी नहीं किया है। और एक ब्लाउज और हमने सिला था जो बुआ के यहाँ पहन के गए थे, उसमें हमने स्लीप में डिजाइन दी थी और बैक में थोड़ी सी डिजाइन दी थी, वो भी आपको हम दिखा नहीं पाए पर पहन डाले हैं ब्लाउज। और ये देखिए, इसमें हमने वी गला दिया हुआ है, इसमें डिजाइन बना ली है हमने थोड़ी सी, ये देखिए। तो ये पहनेंगे तो ये प्रिंसेस वाला यहाँ पे हमने ये लगा दिया था इसको, थोड़ी सी डिजाइन देख के जो देखने में बड़ी क्यूट लग रही है, पर पहनेंगे ये रखी थी ना दोस्तों इसलिए टेढ़ी टेढ़ी सी हो गई है, जब पहनेंगे या फिर प्रेस वगैरह चलाएंगे ना तो अच्छी लगेगी। तो इसमें हमने कुछ इस तरह से डिजाइन दे दी है, डोरी इसमें लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ से 2.5 इंच है इसका गला और बैक जाके बिल्कुल 1.5 इंच हो गया है। और इसमें हमने काज बटन कर रखा है। और ये देखिए, एक ये हमारी ये बनारसी साड़ी का, तो ये उल्टा देखिए हमने पकड़ रखा है, तो कहीं शादी में जाने का हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा है तो इसी को पहन के हम जाएंगे। इसमें भी हमने काज बटन अभी कुछ नहीं किया है वरना आपको सीधा सीधा सा दिखता। और ये देखिए, इसके स्लीव में मैंने डिजाइन दी है कुछ इस तरह से, पहनेंगे तो ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पर अभी शायद नहीं आ रहा होगा। ये देखिए इस तरह से, जो ब्लैक वाले हमने ब्लाउज में दिया है ना हमारे, जिसको बुआ के यहाँ पहन के गए थे उसी वाली वैसे सेम दिया है, क्योंकि डिजाइन बनाने में ना दोस्तों बहुत मारा मारी करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, तो हमने कहा एक बार हमने इसको बनाया है इसको मैं जल्दी बना लूंगी, इसीलिए हमने इसको बनाया है। और जिसको कभी ना बनाओ, नया डिजाइन बनाओ तो उसमें टाइम लगता है, तो हमने कहा चलो इसी को बना लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ यहाँ पे एक एक मोती लगानी है जब काज बटन करेंगी ना, अभी जा रहे करने के लिए। ये देखिए पीछे से देखिए, इस तरह से हमने डिजाइन दी है और इसमें हमने डोरी नहीं लगाई है क्योंकि डोरी की आवश्यकता इसमें नहीं थी। और ये देखिए, इसमें हमने ये प्रिंसेस वाला डिजाइन बना के लगा दिया है, क्यूट लग रहा है ना, बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। तो यही थे, और एक ब्लाउज वो था हमारा जिस दिन हमने अवसान माई की पूजा करवाई थी ना, रेड वाला ब्लाउज, उसको तो बिल्कुल सिंपल बनाया था, बस यहाँ पे लगा दिया था लेस, यहाँ पे लगा दिया था बाजू में और कमर में लेस लगा दिया था। और अभी 3 ब्लाउज हमें सिलने हैं, एक नेवी ब्लू, एक लाइट पिंक और एक मेहरून, 3 ब्लाउज अभी सिल रहे हैं हमें। ये देखिए दोस्तों, हमने कटोरी में पानी रख दिया था और एक चम्मच हमने इसमें डाला है चाय पत्ती, अच्छे से इसको गर्म हो जाने देंगे
और पूरी चाय पत्ती का रंग पानी में उतर जाने देंगे, फिर इसके बाद ही हम इसको बंद करेंगे। और अभी अभी नहा के आ रहे हैं दोस्तों, पूजा भी हमने कर लिया है, बाल आज हमने धोए हैं क्योंकि बालों में आज हमें लगानी है लाल वाली निशा मेहंदी, उसको मंगा के हमने रखी है। और हमारे हाथ में देख रहे हैं आप जूस, जूस नहीं है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, मेरा पता नहीं कि 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है और मेरी खोपड़ी ना इतनी हल्की लग रही है दोस्तों, खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं कह क्या रही हूँ और कर क्या रही हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे ये 2-3 दिन से ज़्यादा महसूस हो रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, निकल कुछ और रहा है मेरे मुँह से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर इतना भारी भारी था, पूरी बॉडी इतनी भारी भारी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या हुआ है मुझे। बस सुबह ना मेरा थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था तो फिर मैंने चीनी और नमक वगैरह पिया तो ठीक हूँ, मीठा भी खाया उससे भी ठीक हूँ। और ये मैंने लिया हुआ है लस्सी है, ये मुझे लगी थी भूख नहाने के बाद, और 9:30 बज गए हैं, आज हमारा वीडियो भी नहीं गया है, अभी पेंडिंग में पड़ा है। तो हमने कहा कि लस्सी पहले पी लेते हैं फिर खाना बनाते हैं, माही के पापा कहीं चले गए हैं, उनको हमने बना दिया था पराठा और दही, वो खा के चले गए, दही पराठा बच्चों के साथ ही हमने उनको सेक दिया था। पहले पी लेते हैं लस्सी फिर आप सभी से मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया था और हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए गैस पे धीमी आंच पे छोड़ दिया था। उसके बाद ये हमने मंगवाई लाल वाली निशा मेहंदी, इसको हम इसमें घोल बनाएंगे इसका, और थिक कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे, ज़्यादा हम पतली नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है ना, बाल में मेहंदी लगाने के बाद सब बाहर आना शुरू हो जाता है मेहंदी, तो इसीलिए इसकी थिक कंसिस्टेंसी बनानी है। और पानी भी ठंडा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना है, इसी टाइम हमने इसका जो है वो घोल तैयार कर लिया। और इसमें हम डालेंगे नींबू का जूस, तो नींबू का जूस जो होता है ना उससे बालों में शाइनिंग आती है और विटामिन सी बालों को हमारे मिल जाते हैं, जड़ों तक पहुंच जाती है। तो ये देखिए हमने इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से कर दी है। और हमारा अभी गया था दुकान अपने लिए बिस्किट लाने, तो दोनों भाई बहन बैठकर इधर खाना शुरू कर दिए, वैसे बहुत होशियार है, एक भी बिस्किट किसी को देता नहीं है। उसके बाद दोस्तों दोपहर के करीब 3 बजे का टाइम हो रहा है और बालों में मेहंदी हमने लगा ली है, और खुद से तो खुद के बालों में मेहंदी लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर हाँ इम्पॉसिबल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि मेहंदी मैंने खुद से नहीं लगाई, किसी और से लगाई है। और रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उन्हें कैमरे में नहीं आना था, वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फिर बहुत जल्दी मेहंदी लगाना, एक मंथ में 2 बार तो हम लगा सकते हैं, तो किसी दिन मैं लगाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ इसका वीडियो शेयर करूंगी कैसे बालों में लगाते हैं मेहंदी। और बालों में मेहंदी लगाए हुए करीब 3 से 4 घंटे हो गए हैं और हमारा जो बाल है ऊपर ऊपर का पूरा सूख चुका है, पर अंदर का थोड़ा थोड़ा सा गीला है, तो ज़्यादा टाइम तक तो इसे रख नहीं सकते बालों में लगा क्योंकि सर जो है ना वो दर्द करने लगता है, भारी भारी सा लगने लगता है क्योंकि पूरे बाल इतने टाइट हो जाते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं, इसकी वजह से सर में ना दर्द शुरू हो जाती है। और अब हम धो लेंगे इसको, और नॉर्मल पानी से ही है धो रहे हैं, कोई गुनगुना पानी, ठंडा पानी कुछ भी नहीं, नॉर्मल पानी है ये हमारी टंकी का। और इसके बाद इसको ना शैम्पू से नहीं धोना है, सिंपल धो लेना है क्योंकि शैम्पू से धोने के बाद जो कलर है ना तुरंत ही अगर शैम्पू लगा देंगे तो निकल जाएगा। अगर आप बालों में मेहंदी लगाते हैं तो एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, शैम्पू से आपको नहीं धोना है और शाम को इसमें सरसों का तेल लगा के सो जाना है ताकि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल पकड़ ले और इसका अच्छा कलर आए और कलर निकले नहीं जल्दी, क्योंकि जब भी हम बालों में लगाते हैं ना ये मेहंदी ये वाली, तो जब भी बाल धोते हैं तभी निकलता है कलर, तो ऐसा नहीं होगा अगर आप सरसों का तेल लगा लेंगे रात को सोने से पहले और सुबह धो लीजिएगा अगर आपको धोना है तो। और यहाँ पे ये कल की क्लिप है, हम माँ बेटी यहाँ पे लगे हुए थे घर की साफ़ सफाई में, तो घर में पोछा लगाना था तो हमने कहा चलो पोछा लगा देते हैं
क्योंकि घर ना बड़ा गंदा हो गया था और दाग पड़ गए थे। हमारे घर ना कुछ ज़्यादा ही गंदे होते हैं क्योंकि यहीं पे किचन है, यहीं पे बैठना होता है और यहीं पे खाना होता है, कुछ अलग दूर हटके तो है नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दाग फर्श पे पड़ जाते हैं जो देखने में बहुत गंदे लगते हैं। और जगह की शॉर्टेज तो है ही हमारे यहाँ, अभी तो नहीं, जब भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने कभी चाहा तो हम हट के यहाँ से और थोड़ा सा बड़ा घर बनवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, ऊपर वाले की जब मर्ज़ी होगी, माता रानी की जब कृपा होगी। हम तो बस सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अभी। सोफे का कवर भी अभी अभी ठीक किया था, सोना और मानसी की अजीब अजीब हरकतें इस सोफे का कवर जो है वो ठीक नहीं रहने देती है, बिगाड़ देती है मिनटों में। और इधर हमने पावदान भी डाल दिया है, इधर इस बोरे को भी हमने डाल दिया है क्योंकि गीला है थोड़ा थोड़ा सा और बार बार आना जाना यही से है, तो पैरों में अजीब सा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पर करीब शाम का टाइम हो रहा होगा, यहाँ पर हम छीले थे कच्ची अम्बिया और कैरी, कच्ची कैरी, कच्ची अम्बिया, इसे हम पहले छील लेंगे। और इसकी, इसको हमने मंगवाया था दोस्तों पना बनाने के लिए, हमने सोचा पना बनाएंगे और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना वो बोल रहे हैं मम्मी इसकी चटनी बनाओ, चटनी बनाओ, सबको खानी है अम्बिया की खट्टी मीठी सी चटनी। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो इन लोगों का जो मन है वही बना दो, पना किसी और दिन बना लेना, फिर तुम अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। तो हमने कहा ठीक है। फिर गुड़ मंगवाया इन्होंने, गुड़ वाली ही बनाएंगे, चीनी की भी बनती है और गुड़ की भी बनती है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। हमारे घर में हमेशा गुड़ की ही बनती है, हम लोग चीनी का बहुत कम बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अम्बिया को छील लिया है, उसके चार से छः भाग एक आम में हमने कर दिया क्योंकि थोड़े बड़े हैं ना इसीलिए, और इसको उबालेंगे नहीं, डायरेक्ट हम बना लेंगे इसी तरह से। लेकिन इसकी रेसिपी आज नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। कच्ची कैरी, इसे कच्चा आम बोलते हैं, कच्ची कैरी भी हम लोग बोलते हैं, तो छिल गया है और इसकी बनेगी क्या बनेगी बताओ मामने, चटनी मीठी वाली इसकी चटनी बनेगी, सॉस बनेगी। कई दिन से ये लोग बहुत वेट कर रहे हैं, किसको किसको खाना है मुझे, सब कई दिनों से बोल रही है मम्मी ये नहीं खाएंगे, कच्चे आम की चटनी बनाइए, कच्चे आम की चटनी बनाइए। तो बस कच्चे आम की बनेगी चटनी और ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। और जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा,